हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि किस तरीके से कुछ परिभाषाएं होती थी ना, लेंथ से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती थी। अभी भी इस वीडियो में हम कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अभी हमारा एक परिभाषा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो बचा है, इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मुख्य फोकस, किसका? लेंस का। लेंस का मुख्य फोकस, देखो ये बेसिकली पिछले वाले वीडियो में ये क्यों छोड़ दिया गया। देखो मुख्य फोकस, हमें टोटल चार फोकस पढ़ने हैं। क्यों चार फोकस पढ़ने? आपने कहा सर आप एक लेंस बनाओ, उत्तल लेंस बनाओ, तो आप ये कुछ इस तरीके से उत्तल, हमेशा जब भी मैं आपसे अगर बोला जाए उत्तल बनाने के लिए, तो उत्तल का मतलब क्या है? ये वाला सिरा उठा हुआ होना चाहिए, इधर वाला सिरा है ना, और इधर वाला सिरा भी क्या हुआ, उठा हुआ होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे उत्तल। अब मैंने कहा सर मेरे पास ये जो सिरा था, ये वाला जो पार्ट था, तो इसके थ्रू क्या बनेगा? इसके थ्रू एक गोला बनेगा, है ना। ये किसी गोले से ही तो काट करके बनाया गया होगा, है ना। तो इस गोले का भी क्या होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र, फिर हम देखे थे मिरर वाले, दर्पण वाले के, इसमें कि वक्रता केंद्र के जस्ट आगे थोड़ा सा क्या होता है, मतलब पीछे की साइड में क्या होता है, फोकस होता है। तो सिमिलरली यहाँ भी इसका कहीं फोकस होगा। अगर आप सिमिलरली इसका भी अगर आप बनाओगे, तो यहाँ पर भी इसका भी क्या होगा, इसका भी कहीं एक फोकस होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें एक लेंस में हमें दो दो फोकस पढ़ने हैं। इस वजह से ये थोड़ा सा परिभाषा की दृष्टि से ये थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से आपका अवतल लेंस के लिए भी होगा। चलो, तो इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पर्पज से, तो न्यूमेरिकल पर्पज से आपको बस केवल हर लेंस के, आपके पास जो भी दो लेंस है, उस लेंस में आपको केवल एक जो है फोकस याद रखना है, और वो कौन सा है अभी आपको वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, है ना। फर्स्ट हम बात करते हैं उत्तल लेंस की मुख्य फोकस, है ना, उत्तल लेंस की। अब कौन सी प्रथम, मतलब दो होगी, तो पहले को हमने क्या दिया प्रथम, दूसरे को हमने क्या दिया दी, तो उत्तल लेंस की प्रथम फोकस। अब इसको थोड़ा सा ये परिभाषा पूछता है कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस क्या है, उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस क्या है, एक्सप्लेन करो, परिभाषित करो, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस की प्रथम फोकस ध्यान से समझना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे बुक में अलग अलग चीजों को मेंशन किया गया, कभी F1 को इधर रखा है, F2 को उधर रखा है, इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हम बेसिकली ये चल रहे हैं NCERT के बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट ऑन कर लेना। देखो क्या होता है, एक छोटी सी ऐसे एक छोटी सी स्टोरी आप सुनो, स्टोरी नहीं कह सकते इसको, आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर रहे हो कि कभी बचपन में किए होगे, हम लोग तो हमेशा बचपन में करते थे। देखो क्या होता था कि क्या होता था ना, बच्चे घर से अपने एक ग्लास लाते थे, एक छोटी सी ऐसे ग्लास लाते थे, ठीक है ना, छोटी सी ग्लास लाते थे, ठीक है, और उसको ऐसे इधर मान लो, इधर हमारे पास कहीं इधर सन है, ठीक है, और ऐसे रख करके, और इसके नीचे यहाँ पे कोई एक कागज रख देते थे, है ना, कोई एक कागज रख देते थे, और इस तरीके से कुछ ऐसा सेटिंग करते थे ना, काफी बचपन की बात बता रहे हैं, है ना, इस तरीके से कुछ ऐसा सेटिंग करते थे जिससे ये जो धूप की जो भी किरणें हैं इसके ऊपर ऐसे गिरती थी, इसके ऊपर ऐसे गिरती थी, और देखते थे ना कि ये कागज में आग लग जाती थी, ठीक है ना, ये कागज जल उठता था। आ रही क्या बातें, आप लोगों में से भी कभी किसी ने ऐसा किया होगा, आई होप ऐसा आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, बड़ा मजा आता था देख करके। तो वो जो हम लोग बचपन में ये हम जो काम करते थे ना, तो ये बेसिकली हम लोग उत्तल लेंस के हेल्प से करते थे। अब बात समझना, अब यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आएंगी। जैसे मैंने कहा कि आपको पहले पढ़ना है प्रथम फोकस, समझ लो, तो प्रथम फोकस ऑब्वियस ही बात है, प्रथम है तो हम इसको F1 कहेंगे, ठीक है, प्रथम है तो हम इसको F1 ही कहेंगे, F1 कैपिटल F, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि प्रथम वाले को हमेशा, वो चाहे, देखो याद करने का बढ़िया सा तरीका है कि प्रथम वाले को आप हमेशा लेफ्ट साइड में मानो, वो चाहे उत्तल लेंस की बात हो चाहे अवतल लेंस की बात हो। तो क्या होता है उत्तल लेंस की प्रथम फोकस, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो सिंपल से अगर इसको हम लैंग्वेज में कहें कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस क्या होती है, तो देखो क्या कहता है कि मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात अनंत पर मिलती है। देखो बात समझो, आपने कहा सर ये डेफिनेशन आपने बता दिया, मैं आपसे देखो बार बार हमेशा बोलूंगा, बुक में आपके, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उस बुक में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को प्रथम फोकस में द्वितीय फोकस में, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं NCERT के पर्पज से और आपको इसी को वैलिड रखना है। मैंने आपसे कहा कि हमेशा F1 को आप लेफ्ट साइड में रखोगे,
ठीक है, हमेशा एफ टू को आप राइट साइड में रखोगे, वो चाहे हम बात करें उत्तल लेंस की, वो चाहे हम बात करें अवतल लेंस की। देखो मैंने कहा कि सर मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, चलो तो सबसे पहले आप किसको बता रहे हो, उत्तल लेंस को बता रहे हो, तो आपने एक उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है, उत्तल लेंस आपने बना लिया और ये आपकी मुख्य अक्ष है, ये आप पिछले वाले वीडियो में जानते हो मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब आपने कहा कि सर मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु, ठीक है ना, एक ऐसा बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण है, तो अब इससे प्रकाश की किरण चलाओ, ये चलिए कैसे, ठीक है, ये चलिए कैसे, आ रही बात समझ में, एक और शायद ऐसे चली होगी, ठीक है ना, एक और शायद ऐसे चली होगी, ठीक है, तो ये सारी की सारी किरण एक और मान लो ऐसे चली होगी, तो ये सारी की सारी किरणें कैसे चल रही है, ये किसी एक बिंदु से जा रही है, मुख्य अक्ष पर वो बिंदु स्थित है, तो क्या होगा कि जब ये किरणें जब चलेंगी और जब इनका क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो ये क्या हो जाएंगी, ये जा करके अनंत पर एक दूसरे को मिलेंगी, अनंत पर मतलब क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के जो किरणें हैं वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। भाई अगर समांतर हैं तो वो जा करके कहाँ पर मिलेंगी, वो जा करके अनंत पर मिलेंगी। तो इस बिंदु को, है ना, यानी कि वो जो हमारा बिंदु है, इसी को हम कहते हैं उत्तल लेंस की प्रथम फोकस। सिंपल, आ रही बात समझ में क्या, कि एक ऐसी बिंदु, एक मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसी बिंदु जिससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणों का जब अपवर्तन होगा, तो वो किरणें क्या होंगी, जाकर के अनंत पर मिलेंगी, और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हुआ, बहुत ही आसान सा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुख्य फोकस है तो मुख्य फोकस को आप हमेशा प्रथम फोकस है तो प्रथम फोकस को आप हमेशा लेफ्ट में मानो, द्वितीय फोकस है तो द्वितीय फोकस में हम राइट में मानेंगे, ये बात आप हमेशा क्लियर रख लो। अगर ये अगर इतनी छोटी सी बात अगर क्लियर हो गई ना कि F1 हमें हमेशा इधर की तरफ रखना है, F2 हमेशा हमेशा हमें इधर की तरफ रखना है, तो ये बात क्लियर हो गई कि एक ऐसा बिंदु कि जब जहां से जब प्रकाश की किरणें जब चलेंगी, तो वो जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात अनंत पर जाकर के मिलेंगी, यही हमारा डेफिनेशन है उत्तल लेंस की प्रथम फोकस का, ठीक है ना। अब इतना बात, फिर एक बात और याद रखो, इसको कहीं नोट डाउन कर लो कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल के सॉल्व के लिए हम F1 को कंसीडर नहीं करेंगे, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए हम F1 को कंसीडर नहीं करेंगे, ये बस आपके को केवल परिभाषा याद रखेंगे। आगे बात समझ में, अब देखो अगर हम बात करें द्वितीय फोकस की, अब मेरी बात समझना, द्वितीय फोकस की अगर हम बात करें, तो मैंने आपसे कहा था कि आप वो छोटी वाली अपनी बचपन वाली कहानी याद करो, आपने कहा था कि आपने घर से एक बढ़िया से एक कांच का वो लाया और उससे अपने कागज को क्या किया, जला दिया, बस समझो तो क्या होगा भाई, इधर सन होगी, सन से ऐसे ढेर सारी रेज आ रही होगी, है ना, ढेर सारी क्या हो रही होगी, रेज आ रही होंगी, और ये आपका इधर कहीं लेंस लगा हुआ होगा। अब क्या हुआ, देखो क्या होता था, आप ये देखते थे, याद करो आप वो अपनी बचपन वाली बातें, जब आप इसको देखते थे तो ऐसा होता था कि जो सारी की सारी जो प्रकाश की जो किरण है वो एक जगह पर जाकर के ऐसे इकट्ठा हो जाती थी, इस तरीके से जाकर के इकट्ठा हो जाती थी। भाई अगर इकट्ठा होगी, है ना, एक जगह जाकर के इकट्ठा हो जाएगी प्रकाश की किरणें, तभी तो वो कागज क्या हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो अब ये वाली जो हमारी बिंदु होगी, जिस बिंदु पर जाकर के वो इकट्ठा हो जा रही, जिस बिंदु पर जाकर के वो सारी की सारी प्रकाश की किरणें मिल जा रही हैं, तो उसी बिंदु को हम कहते हैं द्वितीय फोकस। यानी कि याद रखना, द्वितीय फोकस को याद रखने के लिए आप अपनी बचपन वाली कहानी याद करें ना, कि किस तरीके से आप कागज को जलाते थे, है ना, और वो सारी की सारी प्रकाश किरणें मतलब एक कागज पर एक ऐसा एक बढ़िया सा एक डार्क सा एकदम सर्किल सा बन जाता था सन की धूप मतलब धूप का, है ना, तो उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उसी पॉइंट को हम अपने उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस कहेंगे। ओके बच्चे, समझ में आया। तो अब उत्तल लेंस की हम द्वितीय फोकस को समझ ले, देखो कैसे समझ लो, मैंने आपको फिर से बताया, देखो इसको फिर से समझ लो, आपने कहा कि सर मेरे पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, अब क्या है भाई, मेरे पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी सन है जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, ठीक है ना। तो अब मैंने कहा कि ये मान लो ये हमारी एक मुख्य अक्ष होगी, है ना, हमेशा मुख्य अक्ष बना लेते हैं। अब देखो कैसे कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो उत्तर लेंस की जो द्वितीय फोकस होगी वो क्या होगी, उत्तर लेंस की द्वितीय फोकस, है ना, एक मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसी बिंदु है, एक ऐसी बिंदु है कि अनंत से चल करके आने वाली प्रकाश किरणें, भाई सन है ना, सूरज अनंत पर बेसिकली नहीं है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से तो मान सकते हैं कि अनंत से चल करके आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, है ना, अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। अब इसको लिख लिया जाए सिंपल से वर्ड में, तो देख लेते हैं सिंपल से परिभाषा, इसको हम सिंपली कैसे परिभाषित करते हैं, बहुत ही आसान है। उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहां अनंत से चलकर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मिलती हैं। देखो आपने कहा अनंत से, मान लो कि आपके पास यहाँ से सन,
है ना, और कोई किरण ऐसे आई चल करके, ठीक है। ओके, तो क्या हुआ, ठीक है, मान लो एक ऐसे भी चली, तो क्या हुआ, जब ये इसका जब अपवर्तन हुआ तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की किसी एक बिंदु से ऐसे होकर के चली गई, ठीक है। इसका भी जब अपवर्तन हुआ तो ये भी क्या हुआ, मुख्य अक्ष के किसी मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर के चली गई, ठीक है ना। और ये भी क्या हुआ, किसी मुख्य अक्ष पर स्थित किसी बिंदु से होकर के चली गई। ये बेसिकली यहाँ पर आपका होता था ना, जिसको आप कहते थे प्रकाशीय केंद्र कहते थे, यहाँ से जो हमारी किरणें वो ऐसे सीधी चली जाती हैं, ठीक है ना। तो जिस बिंदु पर भी आकर के मिलती हैं उसी बिंदु को हम उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस कहते हैं। तो आगे बातें समझने, ये आपका हो गया द्वितीय फोकस और ये आपका हो गया प्रथम फोकस। आप इसको ऐसे बना लो, सॉलिड लाइन कर लेना, है ना, यहाँ पे डैश लाइन नहीं होना है, ये हो गया, यारी बातें समझे। तो यही आपका है द्वितीय फोकस। अब याद रखोगे क्या कि न्यूमेरिकल पर्पस से आप उत्तल लेंस के लिए द्वितीय फोकस को मानोगे। न्यूमेरिकल आप इस बात को कहीं लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए आप द्वितीय फोकस को ही कंसीडर करोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर कोई एक न्यूमेरिकल दे दिया और उसने बोल दिया कि वो उत्तल लेंस ले रहा है, तो उत्तल लेंस ले रहा है मतलब आप उसकी जो फोकस है, अब देखो कैसे लोगे, इस साइड है देखो, इस तरफ है, तो इस तरफ की डिस्टेंस को हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। बस इतनी सी बात याद रखना है, ठीक है ना। फिलहाल अभी ये बातें बहुत, अभी आगे जा करके जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से फिर हम इसको समझने वाले। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि न्यूमेरिकल के केस में हम F2 को कंसिडर करेंगे, उत्तल लेंस के केस में F2 F1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, F2 को हम मानेंगे, ठीक है। तो ये उत्तल लेंस की प्रथम फोकस दूरी और उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी समझ में आया। चलो अब देखो क्या है कि भाई जिस तरीके से फोकस दूरी है तो उसी तरीके से फोकल लेंथ होगी, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम कहेंगे उत्तल लेंस की द्वितीय फोकस। हम इस द्वितीय फोकस दूरी को ही मानेंगे, और उत्तल लेंस के लिए आप जो द्वितीय कर लो कि उत्तल लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस जो जो हम जो फोकस दूरी मानेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल ने बोलता है कि हमारे पास जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, तो इसका मतलब है कि आप जो F2 लोगे वो कैसा लोगे, मतलब F2 क्या, हम बेसिकली F की बात करते हैं, है ना, क्योंकि अभी हम लेंस का फॉर्मूला देखेंगे। तो बेसिकली उसके लिए हम जो F लेंगे वो हम पॉजिटिव लेंगे, इस वाले को हम मानेंगे, इस वाले को नहीं मानेंगे, बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ, उत्तल लेंस के लिए हम अपना जो फोकस दूरी है, हमारे लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। ओके सर, चलो बात करते हैं हम अवतल लेंस की, समझ में आई बातें। ओके सर, तो अब अवतल लेंस की प्रथम फोकस को समझते हैं तथा फोकस दूरी को समझते हैं, F1 को समझते हैं। देखो अवतल लेंस, तो सबसे पहले आपने आपको क्या करना है, एक अवतल लेंस बना लेना है। तो अवतल, जब भी वर्ड आए अवतल, जब भी आपको ये पता चला अच्छा अवतल शब्द आया, तो ये तुरंत आप इस तरीके से बना लोगे, अवतल इधर वाला भी अवतल, है ना, इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारी जो प्रकाश की किरणें जो टकरानी है और प्रकाश की किरणों का जो अपवर्तन होना है वो हमेशा अवतल वाले सरफेस से ही होना है, ठीक है। अब देखो सर, तो सर इसको कैसे डिफाइन किया जाए, देखो क्या होगा इसमें कि मान लो कोई प्रकाश की किरण हमारी एक बहुत दूर से आ रही है जो कि एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है ना। जब कोई समांतर प्रकाश की किरणें अवतल जब लेंस पर जब पड़ती हैं, अवतल लेंस पर जब गिरती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो किसी एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। वर्ड याद रखना क्या, अपवर्तन के पश्चात वो किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसी बिंदु को हम अवतल लेंस की प्रथम फोकस कहते हैं। और मैंने आपको फिर से बताया कि प्रथम फोकस है, तो प्रथम फोकस है तो आप हमेशा क्या, किधर की तरफ हमेशा गेस करोगे, हमेशा इसको अपने लेफ्ट साइड की तरफ गेस करोगे। और अगर हम बात करते द्वितीय फोकस की, तो आप इसको हमेशा किधर की तरफ गेस करते, हमेशा अपने दायां साइड गेस करते, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, है ना। बहुत सारे बुक में अजीब उल्टा पुल्टा करके ऐसे इधर इधर F1 रख दिया, इधर आपको पता नहीं क्या क्या रख दिया, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखो, अब इसको हम थोड़ा सा इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है, परिभाषा है क्या है, अवतल लेंस की प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर हमेशा, देखो ये जितनी भी फोकस है वो सारी की सारी मुख्य अक्ष पर स्थित होंगी, वह बिंदु है जब समांतर प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, है ना, मतलब जब समांतर प्रकाश किरणें आई और जब अपवर्तन हुआ, तो ऐसा लगेगा कि वो उस बिंदु से ऐसे फैलती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे कहीं दूर भाग रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऐसे समझो, मैंने कहा कि सर ये मुख्य अक्ष मेरी, ठीक है, यहाँ हम इसको कहते थे, वो कहते थे, मैंने कहा कि मान लो मेरे पास कोई ढेर सारी प्रकाश किरणें आ रही थी समांतर से, यूं आई, एक ऐसे आई, ठीक है, एक ऐसे आई, है ना। तो क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात
ठीक है। अब बेसिकली देखो क्या करना है, मैंने आपको बताया है ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से भाग जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ये भाग जाएंगी कहीं दूर, है ना। तो अब जब ये तो इस तरीके से भाग गई, लेकिन जब आप क्या होगा कि जब आप इन किरणों को, ये जो अपवर्तित जो किरणें हुई हैं, जब आप इन किरणों को जब पीछे की तरफ बढ़ाओगे, ठीक है, यूं आपने ऐसे बढ़ाया, ठीक है ना, सिमिलरली इसको भी आपने कुछ इस तरीके से बढ़ाया, तो ऐसा लगेगा कि ये जो किरणें जो जा रही हैं वो किसी, देखो एक ऐसे बिंदु से होती हुई, मतलब फैल रही है, किसी एक बिंदु से होती हुई क्या कर रही है, फैल रही है। तो उसी बिंदु को हम कहते हैं अपने ऑथर लेंस की प्रथम फोकस, दैट इज F1। बात आ गई समझ में, है ना, उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, अपने ऑथर लेंस की क्या कहेंगे, प्रथम फोकस कहेंगे, ठीक है। आगे इतनी बातें समझ में। अब देखो क्या है, अब आपने कहा सर फोकस दूरी क्या होगी, कोई बात नहीं, देखो फोकस दूरी क्या है, ये आपकी प्रकाशीय केंद्र है, तो प्रकाशीय केंद्र से इस प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे फोकस दूरी, है ना। तो क्या आप डेफिनेशन, क्या आप परिभाषा के बताओगे कि प्रकाशीय केंद्र तथा लेंस की प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। और मजे की बात देखो क्या है, हम अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए हम जो F1 मानेंगे, यानी कि हम जो फोकस मानेंगे, हम जो F मानेंगे, वो हम निगेटिव मानेंगे। अब बातें समझ में आ गई, यानी कि अवतल लेंस के लिए आपका ये वाला जो फोकस दूरी होगा ये वैलिड होगा, है ना, प्रथम फोकस दूरी आपका अवतल लेंस के लिए वैलिड होगा। और अगर प्रथम फोकस दूरी अगर वैलिड है तो देखो ये किस साइड है, ये आपके बेसिकली लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को आप कार्टेशियन सिस्टम मैंने आपको बताया है, है ना, तो लेफ्ट साइड के लिए आप जो फोकस दूरी लोगे वो कैसे लोगे, माइनस में लोगे। बस ये न्यूमेरिकल पर्पज, यानी कि आपके आंकिक प्रश्न से संबंधित ये चीजें हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिन बच्चों को भी अब अगर कन्फ्यूजन हो रहा होता होगा कि सर किसको क्या कब लेना है, तो अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आई होप। बस इतना याद रखो कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस में लेंगे, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी प्लस में लेंगे, बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है, ये आपको समझ में आया। चलो अब बात करते हैं हम सेकेंड, अपने जो द्वितीय हमारा जो फोकस है हम उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों क्या बोलता है, ये जो आपकी द्वितीय जो फोकस है अवतल लेंस की, वो क्या कहता है कि एक ऐसा बिंदु है, ठीक है ना, द्वितीय फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु है जिस पर अनंत से चलकर के आने वाली प्रकाश की किरणें उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत होती है का मतलब कि काल्पनिक है, ठीक है ना, हमारी जो बिंदु है वो कैसी है, वो एक काल्पनिक बिंदु है। मतलब कि हमने कहा कि सर मेरे पास एक अवतल लेंस था, क्या था, एक अवतल लेंस था, ये आप इस तरीके से अवतल लेंस बनाओगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं अवतल लेंस बनाने में। अब आपने कहा कि ये मेरी एक मुख्य अक्ष है, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे अनंत से, है ना, हम क्या कह रहे हैं कि हम एक अनंत से जो है एक बिंदु बेसिकली हम एक फॉल करा रहे हैं अनंत से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमें कुछ इस तरीके से हम जो बिंदु है वो फॉल करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो अब बेसिकली देखो क्या है, आपको पता है कि ये इस तरीके से आई और ये क्या हो गया, ये बेसिकली इस तरीके से समांतर ऐसे चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये जो बिंदु है ना, वो किसी एक ये जो किरणें हैं ये किसी एक बिंदु पर जा करके मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और उसी बिंदु को हम कहेंगे F2। तो हमने वही चीज़ लिखी है, क्या कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, और उसी बिंदु को हम कहते हैं अपनी क्या मुख्य अवतल लेंस की द्वितीय फोकस, ठीक है, सिंपल। अब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो इस बिंदु की द्वितीय फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, हम अवतल लेंस की फोकस दूरी कहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ये वाली फोकस दूरी आपको कंसीडर नहीं करनी है, आपको प्रथम वाली फोकस दूरी कंसीडर करनी है, यानी कि कुल मिला जुला करके आप बात समझ लो, क्या आपको क्या बातें समझ लेनी है कि उत्तर लेंस के लिए जब भी अगर आपसे न्यूमेरिकल में बोलता है उत्तर लेंस, तो उत्तर लेंस के लिए जो आप एफ लोगे वो पॉजिटिव लोगे, और जब भी बोलता है न्यूमेरिकल में आपसे आंकिक प्रश्न में बोलता है अवतल लेंस, ठीक है, तो अवतल लेंस अगर बोल दिया तो अवतल लेंस के लिए आप जो एफ लोगे, यानी जो फोकस दूरी लोगे वो आप कैसे लोगे, माइनस। बस इतनी सी बातें अगर आपने क्लियर रख ली तो आपको न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न सॉल्व करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो अगर नए हो वीडियो पर, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लो, और कमेंट जरूर करो कि कमेंट करके बताओ कि हाँ आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है।